शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में 1 नवंबर की रात्रि 10:20 पर हुए मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का यह मामला अब उठकर प्रदेश स्तर तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 1 नवंबर को रात्रि 10:20 पर कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी मरीज को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जहां उनकी झड़प डॉक्टर से हो गई। वहीं 2 नवंबर को जूनियर डॉक्टर ने कोतवाली में शिकायती आवेदन देकर एफआईआर की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर करने को कहा। उसके बाद मेडिकल कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना देने बैठ गए, जिसके बाद विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन जूनियर डॉक्टर अभी तक हड़ताल पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि एफआईआर की जाए। देखिए खास बातचीत। आखिर कब तक सरकार और सरकार के नाम पर झुकते रहे लोग। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में आज हम खड़े हुए हैं। आप मेरे सामने देख रहे हो कि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे के साथ 3 दिन पहले एक घटना घटी, जो एक दबंग विधायक द्वारा उस बच्चे की मारपीट की गई, ऐसा बच्चे का आरोप है। आज दिनांक तक उस मामले में एफआईआर नहीं की गई। आज हम आपको मिलवाएंगे उस बच्चे के पालक से, उस बच्चे से, कि आखिर घटना हुई क्या है, आखिर ये दर्द क्या है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान बच्चों को भांजे और भांजियों का दर्जा देती हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों को पढ़ने के बाद पिटने के लिए छोड़ देते हैं। आखिर कहां तक सही है। आइए बात करते हैं उसके पिता से। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ब्रजेश धाकड़ है। ब्रजेश धाकड़ जी, आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और 3 दिन पहले एक घटना घटित हुई है, तो क्या मामला है और आपको क्या सूचना लगी, किस तरीके से आप आए यहाँ पर, मुझे थोड़ा सा बताएं। जी ये घटना 3 दिन पूर्व की है और शायद रात को 10:30 इस घटना को अंजाम दिया गया। चूंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत भयभीत था और भाई स्वाभाविक है, जब सत्ता मगरूर होती है तो प्रजा को भयभीत रहना ही होता है, मुझे ऐसा लग रहा है आज। और मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बेटा इतना डर गया, मामा के रहते हुए उनके भांजे और भांजियों को इतना डर है कि वो अपने पिता को भी घटना की जानकारी सुबह 12 बजे दे पाया, इतना डर था। क्योंकि कॉलेज प्रबंधन की ओर से भी कहा गया कि आपको टर्मिनेट कर देंगे, ये मुझको बाद में जानकारी लगी, आपका ये नुकसान हो जाएगा, आपका वो नुकसान, सारी चीजों को लेकर प्रेशर बनाया गया। आज मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, एक ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता कि जो है ना पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सिर्फ भारत की नहीं विश्व की, और जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ऐसी पार्टी में ऐसे लोग भी काम करते हैं कि वो रात को 10 बजे ही चढ़ जाती है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक विधायक जी के द्वारा इस बच्चे को मारा गया, उनके घर में भी बेटा बेटी होंगे, उनके बेटा बेटी भी अध्ययनरत होंगे कहीं, जो पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर इतना क्रोध क्यों, ऐसा क्या अपराध बना इससे कि विधायक जी को इतना रोष आ गया कि बच्चे को कुछ लाड़ दुलार तो नहीं कर चुके, मामा पढ़ा रहे हैं लाड़ प्यार करने के लिए या मारने के लिए, बस इतनी सी बात है। आखिर मैं जानना चाहूंगा कि उस दिन मेरे साथ वो बच्चा भी मौजूद है, जो डॉक्टर है यहाँ पे, जूनियर डॉक्टर है, उससे बात करेंगे हम लोग। हरिओम जी, क्या घटना हुई थी उस समय आखिर? जी मैं ड्यूटी पे था, मैं अपना काम कर रहा था डेस्क पे बैठ के, तभी 4-5 लोग आए, मुझे लगा कि इनका मरीज है, परिजन से मिलने आए होंगे। ये लोग गए, फिर मेरे पास फोन लेके आए कि ये लो डॉक्टर वर्मा से बात करो। डॉक्टर वर्मा जी को बोला कि कंपाउंडर से बात कीजिए। जब मैंने कहा कि मैं कंपाउंडर नहीं हूँ सर, मैं डॉक्टर हूँ, उसके बाद उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। विधायक जी ने कॉलर पकड़ा और साथियों को बोला कि मारो साले को, और पता नहीं बहुत सारी बातें, गालियाँ गलौज करने लगे, बोलने लगे कि कोरोना में तुम सारे डॉक्टर नालायक हो, कोरोना में तुम लोगों ने मरीजों को मारा है। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से उस बच्चे की आप बीती आप लोगों को मैंने सुनाई, क्या ये आप बीती सही है? क्या इसी तरीके से डॉक्टर्स या बच्चे पिटने चाहिए, मुझे आप बताइए, ये जनता का सवाल है, ये आप बताइए। कहीं ना कहीं एक छोटे से कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता का बच्चा है, तो क्या इतनी बड़ी पार्टी में
क्या एक बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता के साथ ऐसा सुलूक किया जाना चाहिए? मैं अजरा सक्सेना, फास्ट समाचार, शिवपुरी। सर, ये जो आज दो दिन से लगातार 3 दिन पहले हरिओम के साथ घटना घटित हुई है, तब से मामला चल रहा है। जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे, पहली बात तो मुझे अभी भी कंटिन्यू हड़ताल चल रही है। नहीं, अभी इमरजेंसी सेवाएं बहाल करने के लिए उन्होंने अभी हमको बोल दिया है कि इमरजेंसी सेवाएं हम बहाल करने की बात। हड़ताल कंटिन्यू है या नहीं है? अभी हड़ताल एक्चुअली में कुछ लोग के मेरी तरफ से जो आया था कि हम हड़ताल पे हैं, और सारे लोगों का इमरजेंसी सेवाएं चालू की हैं, उन्होंने आपको समय दिया 24 घंटे का, जो मेरे पास सूचना है, वो जानना चाह रहा हूँ। हड़ताल कंटिन्यू है या नहीं? हड़ताल अभी कंटिन्यू इसलिए नहीं क्योंकि इमरजेंसी सुविधाएं हमारी चल रही हैं और जो बाकी लोग हैं काम पे आ गए। आपके द्वारा उस मैटर में क्या एक्शन लिया गया अभी तक प्रशासनिक, आपके इंटरनल प्रशासन के लिए? एक्चुअली में ये जो मुद्दा है, जो काफी मतलब गहन मुद्दा है, तो इसके लिए हमने उच्च स्तरीय जांच के लिए कलेक्टर महोदय को लिखा है, तो जो भी उसमें तथ्य सामने आए दोषियों को। आपके यहाँ महिला चिकित्सक भी काम करती है, जिनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, डे ड्यूटी भी होती है, तो इसका मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर आपकी कोई दृष्टिकोण नहीं है? कोई भी उसके लिए हमारे यहाँ जो सुरक्षा गार्ड, मार किसी को कोई भी जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मारा तो घटना तो हुई है, घटना हुई है, मानता हूँ। और इस तरह आप बच्चे के समर्थन में है या नहीं? बिल्कुल, वो चिकित्सक है, हमारे परिवार का सदस्य है और हम उसके साथ हैं। आपके परिवार का सदस्य है, फिर भी उस बच्चे का कहना है कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, मेरे को ड्यूटी से निष्कासित करने की बात कही जा रही है डीन के द्वारा? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अभी भी ये कह रहे हैं कि वो सारे लोग अपनी इमरजेंसी सुविधाओं के लिए अपना काम करें। इमरजेंसी के लिए वो लोग 5 से 10 लोग दे रहे हैं आपको, बाकी उनकी लेकिन हड़ताल उनका कहना कंटिन्यू है। आपका कहना है हड़ताल कंटिन्यू नहीं है? मैं अभी भी आपसे ये बात दोनों पूछ रहा हूँ, बार बार आप अभी आधे लोग जो ना काम पे आ चुके हैं, तो आधे लोग अभी नहीं है। आप हड़ताल में उनके साथ हैं या नहीं? बिल्कुल साथ में, हड़ताल में साथ नहीं है, लेकिन हम उनके अगेंस्ट में जो हुआ है उसके हम साथ में। हड़ताल का हम कभी जो ना पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम जो सर्विस दे रहे हैं वो धनित में बच्चे के साथ नहीं है। हम हड़ताल का कभी समर्थन नहीं करते। हम एक डॉक्टर हैं, लेकिन हम डॉक्टर के साथ साथ में हमारा जो धर्म है कि मरीजों की हित है, वो अपनी जगह है, लेकिन क्या उस बच्चे के साथ घटना घटी हुई, इसमें आप साथ में? घटना घटी है, वो गलत हुई है और उसकी जांच होने चाहिए। दोषियों को 3 दिन हो गए, 3 दिन में FIR नहीं हो पाई, आपकी तरफ से एक पत्र भी नहीं दिया गया? हमने दे दिया पत्र, हमने दे दिया प्रशासन को, पहुंच गया आपकी तरफ से कोतवाली पे कोई पत्र नहीं है? अगर है तो मुझे, हमने कलेक्टर साहब को दिया, हम आपको भी पूछते हैं।